पीडब्ल्यूडी के पास पैसा अपार, विभाग अध्यक्ष ने अभियंताओं को किया खबरदार। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। प्रदेश में सड़कों की स्थिति ठीक न होना परेशानी का सबब बना हुआ है। चालू कामों की धीमी रफ्तार पर पीडब्ल्यूडी विभाग अध्यक्ष संदीप कुमार ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने मुख्य अभियंताओं को चेतावनी दी कि अगर बजट सरेंडर हुआ तो इसके लिए वे सीधे जवाबदेह होंगे। बताया गया कि सड़कों के चालू कार्यों के लिए प्रदेश सरकार के बजट देने के बावजूद स्थानीय खंडों से पर्याप्त धन की मांग नहीं की जा रही, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। सड़क संरक्षा, जिला स्तरीय सड़कों और केंद्रीय रोड फंड CRF का भी काफी बजट अभी बचा है। विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत बजट का इस्तेमाल करने में भी पीछे है। विभाग के 25 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार रोड सेफ्टी मद में 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। इसमें से अभी तक 56.19 करोड़ ही जारी हुए। राज्य योजना प्रमुख जिला व अन्य जिला मार्ग के लिए प्रावधान 3411.68 करोड़ में से 2128.75 करोड़ का ही आवंटन हुआ। CRF के तहत 2800 करोड़ में से 2566.17 करोड़ का बजट अभी बचा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में 42.83 करोड़ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में 15.62 करोड़ का बजट बचा है। पीडब्ल्यूडी विभाग अध्यक्ष ने मुख्य अभियंताओं को लिखा कि जिन कामों को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है उनके लिए अधीनस्थ खंडों से मांग पत्र प्राप्त करके मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें। विभाग के एक अभियंता ने नाम न छापने के अनुरोध के साथ बताया कि ठेकेदारों व स्थानीय अभियंताओं की मिलीभगत के कारण काम लेट होते हैं। कई बार ठेकेदार अपने प्लांट व मशीनरी की क्षमता से ज्यादा कार्य ले लेता है और ठेका देते समय इसकी ठीक से जांच नहीं की जाती। उनके पास पर्याप्त साधन है भी या नहीं, यही देरी का कारण बनते हैं। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि काम में देरी करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही हो, लेकिन स्थानीय अभियंता ऐसा नहीं करते। काम की रफ्तार कैसे तेज हो सकती है? इस पर पीडब्ल्यूडी विभाग अध्यक्ष संदीप कुमार कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर ठीक से प्लानिंग के साथ निगरानी रखी जाए तो काम की रफ्तार में तेजी रहेगी। फिर भी जो ठेकेदार न सुने उन पर पेनल्टी लगाई जाए।